हेलो बच्चों, के हाल चाल? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि किसी खास मकसद के लिए, किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यूज़र उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कोई ख़ास काम जो है वो परफॉर्म कर सके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम्स का ऐसा सेट होता है दैट एनेबल अ यूज़र टू डू अ स्पेसिफिक वर्क ऑन दी कंप्यूटर, के कंप्यूटर पर कोई यूज़र जो है वो कोई स्पेसिफिक वर्क जो है वो कर सके। इसके एग्जाम्पल आपके पास MS वर्ड, MS पावर पॉइंट वगैरह, MS एक्सेल जो है वो है। कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपका काम आसान बनाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपको सिर्फ इंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई गेम्स हो गई या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया जो कि आपको इंटरटेन करे, जैसे कि कोई मूवीज़ वगैरह आप देखते हो किसी सॉफ्टवेयर पर, तो वो बेसिकली इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कोई खास स्किल या पार्टिकुलर स्किल को लर्न करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि जिस जगह से आपको कुछ कुछ लर्निंग मिल रही है वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको लर्निंग दे रहे हैं वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन बेसिक ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। के ऑपरेटिंग सिस्टम के जो बेसिक ऑपरेशन है वो कौन कौन से हैं? चार बेसिक ऑपरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें नंबर 1 जो है बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग अ यूज़र इंटरफेस, मैनेजिंग प्रोग्राम्स, फाइल मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस। सबसे पहले बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस। बूटिंग एंड प्रोवाइडिंग यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हो तो ऑन करने के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए आपके मतलब फ्रंट पे आपके कंप्यूटर पे जो है वो ब्लैक कलर की विंडो आती है। वो ब्लैक कलर की विंडो जो होती है उस दौरान जो कंप्यूटर है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जो है वो कंप्यूटर पे लोड कर रहा होता है, तो उस प्रोसेस को, उस टाइम पीरियड को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कि उस टाइम पे जो फाइल्स लोड हो रही होती है उसे बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर, इट लोड्स द सिस्टम फाइल्स, यानी कि सिस्टम फाइल्स को लोड करता है इन द रैम, रैम पे सिस्टम फाइल्स को लोड करता है, एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस सो डैट द यूज़र कैन ईजिली वर्क ऑन द कंप्यूटर। तो यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे वो आसानी के साथ अपना काम वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद है मैनेजिंग प्रोग्राम्स। आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम करते हो कंप्यूटर पे, तो वो बेसिकली मैनेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं। तो कंप्यूटर जो है उसको मैनेज कर रहा होता है, या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अ यूज़र टू वर्क विद मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस साइमल्टेनियसली। इट मैनेजेस मल्टीपल एप्लीकेशन बाय शोइंग एक्टिव एप्लीकेशन इन फोरग्राउंड एंड अदर प्रोग्राम इन द बैकग्राउंड। यूज़र कैन ईजिली स्विच थ्रो दीज एप्लीकेशन बाई क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन दी टास्क बार। यानी कि ये देखें, ये नीचे आपका टास्क बार है, जब ये मैंने तकरीबन 3-4 फाइल जो है वो खोली हुई हैं, आपने अब फ्रंट पे जो है वो हमारे पास सिर्फ ये वाली जो पिक्चर है वो चल रही है, लेकिन इसके बैक एंड पे जो है एक ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह खुला हुआ है, या गूगल क्रोम वगैरह खुला हुआ है, और फिर ये यूटोरेंट भी है। तो इस तरह से ये बैकग्राउंड पे जो चल रही है, लेकिन आपके जो फोरग्राउंड पे है वो हमारे पास ये पिक्चर है, लेकिन बैकग्राउंड पे आपके पास और भी प्रोग्राम्स है, आप इजीली स्विच कर सकते हो थ्रू द टास्क बार। ये आपके नीचे जो लाइन बनी हुई है सबसे एंड पे ये टास्क बार होती है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल फाइल्स को जो है, या मल्टीपल प्रोग्राम्स को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। इसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूज़र टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर्स, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज कर रहा होता है यूज़र के फाइल्स और फोल्डर्स को। यूज़र कैन क्रिएट, डिलीट, कॉपी, कट, पेस्ट एंड रीनेम द फाइल्स एंड फोल्डर ईजिली, क्योंकि यूज़र जो है वो ईजिली अपने फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये फाइल मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो हो रहा होता है। इसके बाद है कन्फिगरिंग डिवाइसेज। कन्फिगरिंग डिवाइसेज का मतलब ये है कि मतलब आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइसेज लगाई हैं या उनके ड्राइवर्स वगैरह लोड किए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉन्फ़िगर हो गए हैं आपके कंप्यूटर के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें अलाउ करता है कि वो आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकें। यानी कि जैसे प्रिंटर अगर आपने अटैच किया है अपने कंप्यूटर के साथ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही दरमियान में वो है जो कि
मतलब कम्युनिकेशन करवाएगा प्रिंटर की और आपके कंप्यूटर की, लेकिन उसके लिए प्रिंटर प्रिंटर का जो अलग से अगर ड्राइवर यूज़ करना पड़े तो वो अलग से ड्राइवर यूज़ करके इंस्टॉल करके आप करवा सकते हैं। When a computer start operating system checks all the devices and load their drivers. When a new device is attached to the computer, operating system configures it and install its driver so that it can work properly. यानी कि ड्राइवर जो है इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपकी जो डिवाइसेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है वो ईजिली कम्युनिकेट कर सके और प्रॉपरली जो है वो वर्क कर सके। तो बच्चों ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है और दो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छी तरह करने हैं। सो थैंक यू सो मच।